सब्सक्राइब करें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। पांचों भाई और द्रौपदी साथ में गए, एक एक करके सब गल गए हिमालय में जाके, किसी ने साथ नहीं दिया। एक स्वान चल रहा है धर्मराज जी के साथ में, स्वान मीन्स डॉग, कुत्ता चल रहा है साथ में। विमान आया, देवदूतों ने कहा महाराज आप इस विमान में बैठिए और आप चलिए। बोले अवश्य चलेंगे। स्वान से कहा बैठो, देवदूतों ने कहा विमान आपके लिए है स्वान के लिए नहीं, पर आप बैठिए स्वान नहीं जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले स्वान बैठेगा फिर मैं जाऊंगा। बोले ऐसे कैसे होगा, विमान तो आपके लिए आया है। बोले देखो भाई, धर्म संगत बात यह है, जो तुम्हारा साथ निभाए उसे कभी साथ मत छोड़ना। आजकल ये चीजें हम लोग भूलते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मानो या मत मानो, तुम्हारी मर्जी, आज नहीं तो कल तुम्हें अपने आप अकल आ जाएगी। किसी के भरोसे को मत तोड़ना। जो कभी तुम्हारा साथ दे चुका हो उसके साथ कभी साथ छोड़ना मत, क्योंकि जिसने तुम्हारा साथ दिया है, अगर जरूरत पड़ने पर तुमने उसका साथ नहीं दिया तो भगवान की नजर में तुम गुनहगार हो। धर्म यही है, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ जरूर दो, जो तुम पे विश्वास करे उसके साथ विश्वासघात मत करो। आज ईमानदारी से बताओ, आज किसी भी समाज में विश्वास कर सकते किसी पे? जवाब देना, सही बताना, जोर से बोलो, किसी पे भी? कौन ऐसा रिश्ता है जिस पे भरोसा करें हम? सब धोखेबाज बैठे हो, एक से एक बड़ा धोखेबाज। चांस मिलना चाहिए आपको डुबाने का। इसीलिए कहते हैं भरोसा एक राम पे करो, कृष्ण पे करो, ये सब धोखेबाजों को लाइन में लगा देगा, सबको लाइन में लगा देगा। धर्म है ये, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ कभी मत छोड़ो। यहां तो लोग जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहीं निकल जाते हैं। मतलब सिद्ध होना चाहिए। धर्मराज ने कहा मैं स्वान जाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। सोचिए धर्मराज एक स्वान के लिए, अगर आज के राजाओं को मौका मिल जाए तो स्वान को छोड़ने का? विमान हो और स्वान हो, ईमानदारी से बताओ आज का राजा क्या करेगा? जोर से बोलिए, हैं, क्या करेगा? ए भाई चल निकल, ऊपर सेटिंग करूंगा, हो गई तो ठीक है, नहीं बहुमत की सरकार मिली गई, चल। कहेगा कि नहीं? राजाओं की छोड़ो, तुम अपनी स्थिति बताओ ना। तुम्हारा साथ दिया स्वान ने, वो भी खड़ा है, विमान खड़ा है, और तुमसे देवदूत कहे नहीं ये नहीं जा सकता, अब बताओ तुम क्या करोगे? ओ इट्स ओके, हाउ कैन आई डू इट, यू नो डॉग आई डोंट हेल्प यू बिकॉज दे आर सेइंग नो। यही अंतर है धर्मात्मा में और स्वार्थी में। धर्मराज जी ने कहा अगर तुम इसको नहीं ले जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। उस स्वान में से धर्म प्रकट हो गए, धर्मात्मा हो तो युधिष्ठिर तेरे जैसा धर्मात्मा हो कि अंतिम समय विमान को भी देखकर विमान के प्रति लालच नहीं है। धर्म की रक्षा, और धर्म की रक्षा आसान नहीं है मेरे भाई बहन। जो धर्म की राह पर चलते हैं वो कांटों से नहीं, आजकल तो भालों से भरी हुई राह है। जो दिन रात पीकर बैठे पड़े रहते बिस्तरों में, वो धर्म के आचरण करने वाले लोगों पर टिप्पणियां करते हैं, उन्हें गालियां लिखते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं। कौन? जो दिन रात पी खा के पड़े रहते बिस्तरों में, जिन्होंने अपने के लिए कुछ नहीं किया, वो धर्माचार्यों पर उंगली उठाते हैं।
मैं कह रहा हूँ धर्माचार्यों ने कितना भी बुरा किया हो, लेकिन जितना अच्छा धर्माचार्यों ने किया है शायद कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सका। इस पूरे विश्व में धर्माचार्य ही हैं जो सबका भला चाहते हैं और सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति नरक में न जाए, सबका जन्म सफल हो जाए, ये धर्माचार्य चाहते। व्यासपीठ पर बैठकर कोई आपको मरने की बद्दुआ नहीं देता होगा। व्यासपीठ पर बैठने वाले लोग यही कहते होंगे भगवान तुम्हारा कल्याण करे। और आजकल तो ये आशीर्वाद रिश्तेदार भी नहीं देते कि भगवान तुम्हारा भला करे।